Hello everyone, welcome again. Class 12th ki previous years ki series mein probability chapter hum kar rahe the. Last video humne 2019 last year mein jo probability pe questions puche gaye the wo questions dekhe the. Aaj hum 2018 ke probability ke questions solve karne ja rahe hain jo Uttarakhand board CBSE aur Delhi board mein aaya hua question hai. Un questions ko solve karenge. To let's start. पहला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का है. क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स. यानी कि सैंपल स्पेस अगर हम बनाएंगे एस, तो सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5, पांच नंबर्स हैं. एक्स एक रैंडम वेरिएबल है. एक्स डिनोट्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड. एक्स क्या है यहाँ पर, रैंडम वेरिएबल है. अब हो क्या रहा है, एट अ टाइम दो नंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं और दो नंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं किससे, ये जो फाइव इंटीजर्स लिखे हुए हैं. तो आपको सबसे पहले देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होगी सिलेक्शन की. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स कितना हो जाएगा, वो 5C2, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 × 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 × 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया. कितना हो जाएगा, 20/2 कितना आ जाएगा, 10. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई, 10. अब आगे देखिए, इसको टोटल नंबर ऑफ वेज तो हम बोलेंगे, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, क्या होगा, जैसे हम एट अ टाइम 1 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन 2 1 अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये पेयर तो अलग हो जाएगा इससे. तो ये तो 5 में से 2 नंबर सेलेक्ट करना हो गया, फिर उनको अरेंज भी तो करेंगे हम, आगे पीछे अरेंज होगा तो हर एक नंबर 2 बार आएगा फिर. तो इंटू 2 यहाँ आ जाएगा, इंटू 2 यहाँ आ जाएगा, इंटू 2 यहाँ आ जाएगा और इंटू 2 यहाँ आ जाएगा. तो 20 टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई, 20 हो गई. अब बात करते हैं एक्स की. एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी, एक्स रैंडम वेरिएबल है, वो क्या क्या होगा. अगर मैं कहूं कि एक्स की वैल्यू 1 है, तो क्या एक्स की 1 वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि इसमें एक्स क्या डिनोट कर रहा है, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. वो जो दो नंबर हम लेंगे एट अ टाइम, दो नंबर का जो पेयर होगा ए और बी, उसमें एक नंबर बड़ा होना चाहिए, एक नंबर छोटा होना चाहिए. लेकिन अगर हम 1 लेंगे यहाँ पे, तो 1 से छोटा नंबर तो इसमें है ही नहीं, और 1 से छोटा नंबर अगर इसमें नहीं है तो एक्स की वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं है फिर. तो वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल होंगी, 2 3 4 5. ठीक, अब इस पे आपको मीन भी निकालना है और क्या निकालना है, वेरियंस भी निकालना है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज आप याद रखिए 20 है. प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब हो गया क्या क्या होगा, नंबर्स क्या क्या आएंगे इसमें, 1 2 आएगा या फिर 2 1 आएगा. और कितने नंबर्स हो गए, 2, और 2 में टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी थी, 20, तो 1/10. ये एक्स इक्वल टू 2 के लिए हो गया. एक्स इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, इसमें आएगा आपका 1 3 और 3 1 और 2 3 और 3 2, 1 2 3 4, 4/20 यानी कि 2/10 हो गया. पी एक्स इक्वल टू 4, 4 में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 1 4, 4 1, 2 4, 4 2, 3 4, 4 3. ये सारे नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6/20 यानी कि 3/10. और पी एक्स इक्वल टू 5 में क्या क्या आ जाएगा, 1 5 5 1, 2 5 5 2, 3 5 5 3, 4 5 5 4. इसमें हो क्या रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको. देखो कोई भी पेयर हम ले रहे हैं उसमें तो एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/20 यानी कि 4/10. तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल दी हैं.
अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं हम, और उसके बाद मीन और वेरियंस निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में हटा दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 2, 3, 4, 5, और पी एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। अब हमको इसमें मीन निकालना है और क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला ई एक्स, एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं इसको, कैसे निकालते हैं, हर एक एक्स की वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग पी एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2/10, 4 × 3/10 प्लस 5 × 4/10, कितना हो गया, 2 + 6 + 12 प्लस 20/10, 18 + 20 = 40/10, कितना आ गया, 4। ये मीन की वैल्यू आ गई। और वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई एक्स होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हर एक एक्स की वैल्यू का स्क्वायर इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, 3 का स्क्वायर इंटू 2/10 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 4/10, और इससे किसको माइनस करना है, जो हमने ई एक्स निकाला था उसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा फर्स्ट वाले केस में। तो आप इन पहले वाले क्वेश्चन का इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन कर लें, खाली सिंप्लीफाई करना है, तो वहाँ से आपको वेरिएंस मिल जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, 52 कार्ड्स हैं टोटल, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद आपको नंबर ऑफ किंग्स के लिए, नंबर ऑफ किंग्स के लिए क्या बनाना है आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक्स रैंडम वेरिएबल चाहिए। अब देखिए, 2 कार्ड में एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ किंग्स को। तो नंबर ऑफ किंग्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, किंग टोटल किंग्स होते हैं 4। अब आप देखिए, 2 कार्ड आपको लेना है, या तो दोनों के 2 में से कोई भी किंग ना हो, या एक किंग हो, या फिर दोनों के 2 किंग्स हो। अब इनके करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी किंग ना हो। टोटल किंग कितने हैं, 4, और किंग को छोड़ करके रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे, रिमेनिंग कार्ड्स बचे 52 - 4 यानी कि 48। तो 48 में से 2 कार्ड, और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, 52 C2। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक कार्ड तो किंग का होना चाहिए, यानी कि एक कार्ड यहाँ से होना चाहिए, और दूसरा कार्ड कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से, 48 C1/52 C2। पी एक्स इक्वल टू 2, दोनों कार्ड किंग के होने चाहिए, यानी कि 4 C2 से ही आएंगे दोनों के 2, और 52 C2। सबको सिंप्लीफाई आप कर लें, और x की वैल्यू 0, 1, 2, और यहाँ पी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यूज रख लें आप, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो ये बात हो गई उत्तराखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो दिल्ली बोर्ड में आया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लीक से हटके एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। रेंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, एक्स की वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3। जब एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू 1 है, तो प्रोबेबिलिटी पी है, और इसके साथ साथ आपको दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 3 पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है, लेकिन है क्या वो नहीं दिया हुआ है। एक कंडीशन और दी है कि समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस समीशन पी आई एक्स आई। आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो
अगर पी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी एक्स इक्वल टू वन प्लस पी एक्स इक्वल टू टू प्लस पी एक्स इक्वल टू थ्री, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा वन। एक्स इक्वल टू जीरो कितना है स्मॉल पी, ये भी स्मॉल पी है, इसको हम स्मॉल एक्स मान लेते हैं, इसको भी स्मॉल एक्स, क्योंकि ये इनकी वैल्यूज तो इक्वल है लेकिन वैल्यू है क्या वो नहीं बताया, तो हमने दोनों की वैल्यू को एक्स मान लिया। तो टू पी प्लस टू एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा वन माइनस टू पी अपॉन टू, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसी केस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ तो एक्स की वैल्यू क्या है जीरो वन टू थ्री, और पी एक्स की वैल्यू क्या है जीरो पे स्मॉल पी, यहाँ स्मॉल पी, यहाँ क्या हो गया वन माइनस टू पी अपॉन टू, वन माइनस टू पी अपॉन टू, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया लेकिन हमको अभी पी की वैल्यू मिली नहीं है, इसमें पी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अभी एक कंडीशन यूज़ करना और बचा हुआ है जो ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसको अगर हम समीशन का मतलब होता है सम, वन वैल्यू रखेंगे तो पी वन एक्स वन स्क्वायर प्लस पी टू एक्स टू स्क्वायर प्लस पी थ्री एक्स थ्री स्क्वायर, सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो से स्टार्ट है। आप चाहे तो वैल्यूज़ आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, वैल्यूज़ रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, जीरो यहाँ वन टू और पी थ्री एक्स थ्री का स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ ट्वाइस राइट साइड में क्या है, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा पी नॉट एक्स नॉट पी वन एक्स वन पी टू एक्स टू प्लस पी थ्री एक्स थ्री। पी नॉट का मतलब जब x की वैल्यू जीरो है तब प्रोबेबिलिटी कितनी है p, और x स्क्वायर का मतलब x नॉट का स्क्वायर मतलब ये x की सबसे पहली वैल्यू जीरो प्लस p1 कितना है p, और x1 कितना है वन, वन का स्क्वायर प्लस p2 कितना है वन माइनस टू पी अपॉन टू और इंटू एक्स टू का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर प्लस p3 कितना है वन माइनस टू पी अपॉन टू और इंटू एक्स थ्री का स्क्वायर कितना हो गया थ्री का स्क्वायर। राइट साइड में ट्वाइस पी नॉट पी इंटू जीरो, पी वन कितना है पी इंटू वन प्लस पी टू कितना है वन माइनस टू पी अपॉन टू इंटू एक्स टू कितना है टू प्लस पी थ्री कितना है वन माइनस टू पी अपॉन टू और इंटू एक्स थ्री कितना है थ्री। सारी वैल्यूज रख दी। अब आप देखिए पूरी इक्वेशन किस में आ रही है, पी में आ रही है। सिंप्लीफिकेशन करना आपको आता ही है, स्टेप्स को पूरा सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके पी को एक साइड, पी वाले टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जा करके आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी, और पी की ही वैल्यू यहाँ पर निकालनी भी थी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, बोर्ड में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं।